आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करेंगे अधिराज सिंह अंकल को और डॉली सिंह आंटी को, वो आए और सत्संग की शुरुआत करें। जय गुरु जी। अमरजीत सिंह और डॉली सिंह, आपके चरणों में माथा टेक के प्रणाम करते हैं। गुरु जी, हमारा प्रणाम कबूल करो। और जैसे आपने कई सदियों से आपने हमारे पर बख्शिश की है, आज एक बख्शिश अपने चरणों में हमें, हमारा प्रणाम कबूल करके हमें फिर से एक शक्ति दो कि हम आपकी आपकी यादाश्त, आपके गुण और आपको हमेशा ही देखते रहें, जैसे दिन रात आप हमारे मन में बसते हैं। गुरुजी, आप जब से हमारी जिंदगी में आए, जब से हमारे को ये एक महान मौका मिला आपके दर्शन करने का, आपके संपर्क में आने का, हमारी जिंदगी का नजरिया और नजारा दोनों ही बदल गए, और इतने बदले कि हम जिंदगी को एक अच्छा मजा लेने लगे, दुख लेने लगे। गुरु जी, दिन रात हमें ऐसे ही लगता है जैसे कि आप हमारे साथ ही हैं और हम आपके चरण पकड़ के, चरण की धूल लेकर के हर क्षण अपने जिंदगी का व्यतीत करते हैं। इतनी शक्ति और इतनी आपकी तीव्रता, कोई भी कभी भी किसी समय में जब हमारा कभी को कष्ट होता है, मैं याद करता हूं आपको, आपने हमें कभी भी फेल नहीं किया, कभी भी फेल नहीं किया। जिस दिन मैं कभी भी खास काम के लिए अपने घर से निकला और मैंने कहा गुरुजी मेरे साथ चलना आज, तो गुरुजी आपने ये नहीं देखा कि आपकी क्या कमिटमेंट है, आप थके हैं, जाग रहे हैं, कैसे हैं, कितनी संगत और आपके पास रिक्वेस्ट लेके बैठी हुई है, आप मेरे साथ ही चले। और मेरे को आपने जिंदगी में एक ऐसा मौका दिया, मैं इसका यकीन मैं लोगों को कैसे बता पाऊं। गुरुजी, आपने हमारे परिवार की कैसे अंग संग साथ होकर के रक्षा की, मुझे एक इंसिडेंट याद आता है कि मेरे परिवार के सदस्य दिल्ली से देहरादून में एक शादी में जा रहे थे और मेरा यंग बेटा अपनी माँ और अपनी बहन के साथ और एक बच्ची के साथ बैठ करके गाड़ी में जा रहे थे मुजफ्फरनगर के पास। सामने से एक बस का हेड ऑन कोल्यूशन, एक गाड़ी एक बस के साथ टकरा जाना, दोनों 60, 70, 80 किलोमीटर की स्पीड पर चल रही हो, आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हमारी सिचुएशन हो सकती है। उस सिचुएशन में गाड़ी 2-3 चक्कर हेड ऑन कोल्यूशन के बाद, कोने के बाद वहां पर रही, गाड़ी उल्टी रही, गाड़ी चकनाचूर हो गई, टोटल लॉस हो गया, लेकिन अंदर बैठने वालों को माइनर जैसी कोई ब्रूज होती है ना, जैसे कोई साइकिल के ऊपर को थोड़ा सा स्क्रिप कर जाता है, ऐसी सिचुएशन। और हर इंसान इन परफेक्ट हेल्थ, शारीरिक और मानसिक इतनी स्ट्रेंथ कि उनको ये महसूस ही नहीं हुआ कि उनका कोई एक्सीडेंट हुआ है। ये गुरुजी शक्ति आपकी थी, ये जो शील्ड आपने दी थी प्रोटेक्शन की, आपने ही उनको जिंदगी दी, आपने ही इस परिवार को स्ट्रेंथ दी और आपने इस परिवार को बचाया। उस बात से हमें ये नहीं कि उस बात से हमें यकीन हो गया, यकीन तो हमें पहले ही था, लेकिन ये आशा है कि जब एक भगवान के रूप और स्वरूप में आप हमारे पास रहते हैं तो हमारे को एक लगता ही ऐसा है कि हम यहाँ अकेले नहीं, किसी की प्रोटेक्शन के अंडर हैं, और हमेशा ही निडर होकर के खुले मन से जो भी अच्छा काम है, अगर हम उसकी कभी भी कोशिश करते हैं तो उसमें हमें कामयाबी मिलती है।
साथ संगत जी, आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस गुरु जी का अगर शेयर करूं तो हर इंसिडेंट में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब मैं सुबह उठता हूं और रात को जब तक सोता हूं, गुरु जी की पिक्चर मेरे सामने होती है, गुरु जी का चरण मेरे सामने होते हैं, गुरु जी की निगाहें मेरे को देख रही होती है। गुरु जी एम्पायर स्टेट में, बड़े मंदिर में, कहीं और किसी जगह पे, मैंने गुरु जी को कई जगह देखा। मेरा एक बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मैं गुरु जी के साथ पर्सनल लाइफ में कई बार मैं इनके दर्शन कर सका, कई बार मैं इनके नजदीक बैठ सका, कई बार मैं इनके चरण स्पर्श कर सका और कई बार मुझे इनके वचन सुनने की मौका मिला। गुरु जी हमेशा ही कहा करते थे, हाँ फिर की करना भी तू? मैं, गुरु जी मैं ये करता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, आया करो आया करो, और बैठने देना। और हमें गुरु जी के सामने नजदीक से नजदीक बैठने की बहुत ख्वाहिश होती थी और ऐसा मौका बन जाता था कि हमें वो मौका हमेशा मिलता था। उनके सामने लंगर खाना, उनके सामने शेयर्ड लंगर खाना और उनकी बात सुनना और उस माहौल में बैठ करके वो कीर्तन शब्द का वो जो लाइट म्यूजिक के साथ में सुना करते थे एम्पायर स्टेट में, उसके में इतनी शक्ति कि मन में कोई उलझन रहती नहीं। ऐसे लगता था कि आप जैसे किसी एक बड़े एक स्वर्ग रूप में यहां बैठे हुए हो और बड़ी ही शांति है, ना पिछली चिंता है ना आगे की चिंता है। और अपने आप में देखते थे मन में, फिर भी मन तो नहीं मानता और हमेशा कुछ ना कुछ मांगने के लिए इच्छुक होता है, लेकिन उस वक्त मांगने के लिए भी कुछ याद नहीं आता था। इतनी शांति मिलती थी उस वक्त, और गुरु जी आपकी बख्शिश की वजह से हमने वहां पर अपने आप को ऐसे महसूस किया जैसे कि एक बहुत ही सौभाग्यपूर्ण की एक सिचुएशन है। गुरु जी आपके साथ हमारा जब जब संपर्क हुआ, जब आपने ये चोगा छोड़ करके आप चले गए, लेकिन आप हमें दिखते रोज हैं, मिलते रोज हैं। हाँ हम आपके चरण पकड़ नहीं सकते फिजिकली, लेकिन मन में हम जो है बिल्कुल आपके चरणों को अपने सिर पे रख करके चलते हैं। और जैसा मेरा कि एक बड़ा सौभाग्य है, मैंने जिंदगी में जितने भी काम किए, जिस जिस दिन, चाहे कोर्ट कचहरी की जजमेंट हो, चाहे बिजनेस डील हो, या मेरी कोई दिक्कत हो, या मेरी को फाइनेंशियल क्राइसिस हो, आपने मुझे कभी भी निराश नहीं किया, कभी भी निराश नहीं किया। मैं पब्लिकली इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं ये शेयर नहीं कर सकता कि आपने मेरे पे कितनी बख्शिश की, लेकिन आपने बेअंत बख्शिश की, करोड़ों रुपए की बख्शिश की, मैं रोक नहीं सकता अपने आप। ऐसे समय पर जब लोगों को 10 रुपए की उम्मीद ना हो, आपने मुझे करोड़ों रुपए दिए। गुरुजी इस बख्शिश की मैं आपको कैसे कैसे शुक्राना करूं, कैसे शुक्राना करूं, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं रह जाता। और फिर आपकी एक बात याद आती है, कहते हैं तो आया कर आया कर। और मैं वही बात को लेकर के मैं जब भी आपको याद करता हूं, कहता हूं गुरुजी अभी मुझे बुलाना मत छोड़ना, मुझे हमेशा ही बुलाते रहना, कहते रहना कि आया कर। मुझे यही रहेगा कि मैं गुरुजी के चरणों में बैठा हूं, मेरी एक एक अरदास, मेरी एक एक आवाज, मेरी एक एक पुकार को आपने हमेशा ही एड्रेस किया है। गुरुजी आपकी बख्शिशें की वजह से मेरी वाइफ की सिकनेस, जिसकी 8-8 9-9 बायोप्सीज होने के बावजूद रिजल्ट नेगेटिव हो और डॉक्टर कहें
कि इसमें तो ये जो है मैलिग्नेंसी है और ये कैंसरस सिम्टम्स हैं और इसका तो इलाज वैसे ही होना चाहिए, इसकी केमोग्राफी होनी चाहिए, इसकी रेडिएशन का इलाज होना चाहिए, लेकिन ये जब तक मेडिकली प्रूव नहीं होता कि आपको कैंसर है, ये हम इलाज शुरू नहीं कर सकते। गुरुजी, आपने उस रिपोर्ट को कभी भी मैलिग्नेंट होने ही नहीं दिया और ये एक सफरेंस के थोड़ा बड़ा पीरियड था कि आपने फिर उसको अपने ही तरीके से उसको ठीक भी कर दिया। एक टाइम था जो कि हम सोचते थे कि ये बहुत मैटर दिन पर दिन होपलेस होता जा रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल में साइंस में इलाज करवाया, टाटा इंस्टीट्यूट बॉम्बे में गए, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा इंटरनेशनल वर्ल्ड में भी जिसकी सलाह ना ली गई। लेकिन आपने जो विश्वास मेरी वाइफ के मन में पैदा किया कि तेने कुछ नहीं होने लगा तो ठीक है, जा तो ठीक है, तुम जिस तरह कहते हैं कि भाई कोई गल नहीं तो ठीक है कर जा, और वैसे ही आपने ऐसे साधन बनाए कि गुरुजी मेरी वाइफ इंप्रूव करती गई। एक दिन हम जब बिल्कुल ही हिम्मत हार गए और सोचने लगे कि अब क्या करें, तो उसी ने एक रास्ता बताया कि आप वहां पर डॉक्टर जुल्का के पास चले जाओ, वो मेरे पुराने जानकार भी थे, मैं कचो वहीं चलता हूँ। वहां जाकर के उन्होंने एक इम्यूनोलॉजी का एक को जो ट्रीटमेंट शुरू किया, वो रास्ता तो आपका दिखाया हुआ था लेकिन वो एक साधन था, और आज वो 98% ठीक है। ये आपकी कृपा है, आपकी ही कृपा है। उस वजह से परिवार फिर कायम हो गया, उनकी सेहत ठीक हो गई और हम ऐसा महसूस करते हैं कि उन्होंने सारी जिम्मेवारी अपनी दोबारा से पकड़ ली। ये गुरुजी आप ही हमारे घर को बहाल में रखने में आपकी आपकी जो है पूरी 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 ब्लेसिंग है। गुरुजी मेरे कामकाज में एक जगह नहीं, एक प्रोजेक्ट नहीं, कई प्रोजेक्ट में आपका जो है मेरे साथ होने से मेरे को कभी निराश वापस नहीं होना। गुरुजी कई दिन कई बार ऐसा महसूस होता है कि आज मैं बड़ा लो चल रहा हूं, तो लो चलने में जैसे ही मेरा ख्याल आता है ना गुरुजी की तरफ, तो मैं देखता हूं कि गुरुजी दरबार में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, संगत बैठी हुई है, और जब आपकी एक नजर मेरे पे पड़ती है तो जैसे एक इलेक्ट्रिफाइंग करंट और एनर्जी आ जाती है किसी में, वही हाल मेरा होता है। और इस हाल की सिचुएशन को मैंने अपने आप को आजमाने के लिए मैंने कहा कि यार एक दिन ट्राई करो, दो दिन ट्राई करो, लेकिन आपके पास इतना बड़ा बेअंत भंडार है कि मैंने जब जब ट्राई किया, जब एक बार किया, 10 बार ट्राई किया, 100 बार ट्राई किया, एवरी टाइम इट वर्क्स, हर जगह हर बार ये चलता है। तो हमने कहा गुरुजी फिर आप हमारे मन में ही रहे, हमारी ब्लेसिंग आप हमें अपने ब्लेस करते रहे। गुरुजी हमारी जिंदगी का बहुत ज्यादा बर्डन और वजन आपने ही हमारे लिए उठाया, कैसे कैसे साधन बना दिए। इस कोविड के टाइम पर मैं एक आपके साथ बहुत डेलिकेट सिचुएशन शेयर करता हूं कि मेरे को एक अपनी बिल्डिंग बेचनी थी और 17 तारीख को मेरे को एक व्यक्ति आया मेरे घर में, तो कहता जी कि मैं आपकी बिल्डिंग खरीदने के लिए तैयार हूं। एक्चुअली उनका फोन आया शाम को 4-5 बजे कि आपने बिल्डिंग बेचनी है, मैं कहां चीज बेचनी है, तो कहते हम आपको मिलना चाहते। वो मेरे पास आ गए और मैंने देखा ये खाली हाथ आए हैं, तो इनके हाथ में तो ना कोई ब्रीफकेस है, ना कोई इनके पास कोई कागज पत्र है, और जेब में भी इनको कोई खास कुछ लग नहीं रहा, और 17 मार्च के दिन में कोई इतनी सर्दी भी नहीं होती कि उन्होंने कोट काट पहने हुए थे,
तो लौट की चेकबुक भी नहीं, कोई महसूस नहीं हुआ। जब सारी बातचीत उन्होंने कर ली तो मैंने उनको पूछा कि भाई आप इस सौदे को आगे कैसे ट्राई करते हैं, नहीं हम आपको पैसे देके जाएंगे, हम आपको एडवांस देके जाएंगे। और वो जाकर के अपनी गाड़ी में से अपने मेरे पास टोकन एडवांस भी लेके आए, चेक भी लेके आए, और उसके बाद उन्होंने कहा जी हम आपको बाकी और रकम आपको अदा करेंगे 20 तारीख को, संडे को करेंगे शायद, उन्होंने कहा कि हम आपको संडे को करेंगे, या मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा। तो मैंने उनको अगले दिन फोन करके कहा, इतने में अनाउंसमेंट हो गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने 22 तारीख का ऐलान किया हुआ है कि उस दिन जनाब हमारे यहाँ पर टोटल लॉकडाउन होगा। यह अनाउंसमेंट हो गई 18 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी ने लेक्चर दिया कि भाई हमारा लॉकडाउन जो है एक दिन के लिए हम जो है टोटल लॉकडाउन प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारी जो मीटिंग 19 की थी, 22 तारीख की थी जो मीटिंग, 21 तारीख की जो मीटिंग थी, उन्होंने कहा जी नहीं कोई बात नहीं, अगर 22 को लॉकडाउन होगा तो हम आपको 20 को मिलेंगे। वो 20 को आकर के सारी अपनी पोजीशन पक्की करके चले गए। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगले 3-4-5 महीने जबकि सड़क पर एक व्यक्ति दिखाई नहीं देता था तो मेरी बिल्डिंग खरीदने कौन आता, और मैं अपना परेशान होता कि भाई मुझे पैसे चाहिए, मैंने और कई कमिटमेंट पूरी करनी है, मुझे फलानी चीज चाहिए। आपने मेरे को इतनी सपोर्ट की, तो मुझे एक यकीन तो पहले ही था, लेकिन आपके भंडार की जो बड़ी चाबी थी मुझे पता चल गया कि भाई बड़े भंडार की चाबी भी आप ही के चरणों में है, अगर इनको जितना हम पकड़ के रखेंगे उतना ही हम सुखी रहेंगे। अच्छी नीयत से, अच्छे काम करने से, आपका नाम लेने से, आपकी ब्लेसिंग रखने के लिए पास में इंसान कभी भी उसको बैकफुट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जब जब मंदिर गए, जब जब आपके दर्शन हुए, जब भी आपकी समाधि में गए, आज वो समाधि हमारी आंखों में बैठी हुई, आपका दृश्य चलता हुआ, पैदल चलता हुआ, घूमता हुआ, कार में बैठा हुआ, दरबार में बैठा हुआ, वो हमारे सामने ही रहता है। गुरु जी आपके साथ में हमें इतने मौके मिले जिंदगी में आपको मिलने के कि हमेशा ही महसूस होता है कि आप साथ ही, और हमारी यही दरखास्त रहेगी कि आप हमारे साथ ही रहें। और मेरी संगत से यही एक अरदास है, यही एक सोच है कि आप हमारी ऊपर बख्शिश को कभी भी ना भुला। हमें इस यकीन में ही रहने दो, इस यकीन से ही हमें जिंदगी के जो मेरे श्वास हैं वो ऐसे पूरे होने दो कि आपकी बख्शिश हमारे पर कायम रहे। कई बार महसूस होता है कि हम तो हमेशा ही मांगते रहते हैं आपसे और हम करते क्या हैं आपके लिए, लेकिन आपने जो फीलिंग हमारे मन में उस वक्त भरते हो, कहते हो कि तू जा चंगे काम करया करो और सब ठीक रहे, बख्शिश होएगी, ठीक होएगी, इस विश्वास से जो अंदर से एक आवाज आती है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और मेरी साथ संगत से यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि आपने जब जब गुरु जी को याद करना है अपने मन से करो, और गुरु जी आपके साथ खड़े हैं फॉर श्योर। मैं आज ये भी महसूस कर रहा हूं इस वक्त मैं आपके साथ में, मैं संबोधित करके अपने शेयर में कर रहा हूं सिचुएशन को, मेरे साथ गुरु जी खड़े हैं, अभी मैं उनके चरणों में बैठा हुआ हूं, गुरु जी के चरण मेरी आंखों में लगे हुए हैं, और मैं ऐसे महसूस करता हूं कि मैं गुरु जी के साथ ही बात कर रहा हूं और गुरु जी को कह रहा हूं कि गुरु जी ये बख्शिश करते रहना, असी तो मंगना ही रहना, साडा तो कर तुहाडे दित्तियां ही पूरा होएगा। और आपने इतनी बख्शिश की, ऐसी बख्शिश करते हैं कि एक आपने हमारे मन में एक ऐसी संतुष्टि पैदा कर दी
जिसके कि हम इतने आभारी हैं। साथ संगत जी, गुरु जी ने इतनी बख्शिश कर दी कि हमारे को इच्छा ही नहीं होती जो हम ले नहीं पाते, जहां हम पहुंच नहीं पाते। हमारी इच्छा ही वहां तक सीमित रहती है जो हमारी रेंज में है। इसका मतलब यह है कि कंटेंटमेंट जो हमारी रेंज में है, जो हमारी पहुंच में है, जो हमारी रीच में है, उसको हम गेन जब करते हैं तो वो हमारी एक इच्छा होती है। उसके बियॉन्ड जब इच्छा ही नहीं होती तो उसको ना पूर्ण होने का तो मतलब ही नहीं। ऐसी भावना क्रिएट करना, ऐसा कॉन्फिडेंस क्रिएट करना, ऐसी डिजायर्स क्रिएट करना, गुरुजी ये आपकी महानता है कि आपके विश्वास, आपकी मेहर से हमारी ऐसी सोच, दूसरे की चीज छीननी नहीं, अपने मन को उस तक सीमित रखना कि जो आपकी रेंज में है, तसल्ली रखना और आपकी निगाह में रहना हमारे लिए एक बहुत बड़ा ही सौभाग्य है। गुरु जी, मैं आज की प्रबंधकों से मैं यही एक प्रार्थना एक बार और करूंगा कि जब जब मुझे मौका मिले, मैं इस संगत को संबोधित करने के लिए, अपनी ये जो सत्संग है, मुझे कभी भी मौका मिलेगा तो मैं जरूर इसमें हाजिर होना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को एक एक वर्ड, एक एक इंसिडेंट, यहाँ से जाकर के मंदिर जाना, एम्पायर स्टेट जाना, आगे जाना और वहां पर एक टाइम स्पेंड करना, वहां लंगर खाना जाकर के, और उसमें हर चीज में आपका रस, आपकी चीजें दिखाई देती हैं, वो कैसे ही एक हमारे को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी जिंदगी में कैसे सुधार आता है, इसका कोई अंदाजा जो कर सकता है, जिसको महसूस होता है, वो ही जान सकता है। उसको व्याख्यान करना इन वर्ड्स इज वेरी डिफिकल्ट। जय शंकर जी। नेक्स्ट हमारे साथ उषा सिंह आंटी है। उषा सिंह आंटी को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। बहुत बहुत गुरु जी के पावन चरणों पर नतमस्तक, बहुत बहुत प्रणाम उनको और आई हुई सारी संगत को, बहुत प्यार वाला जय गुरु जी, और पूरे मंदिर मैनेजमेंट जो भी सेवादार ये सेवा कर रहे हैं कितने महीनों से, ऑलमोस्ट अब एक साल में हो जाएगा, तो उन सबको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम और थैंक यू। और आप सबने इतने महीनों से हम सब एक साथ गुरु जी के ऐसे पावन दरबार में हम एक साथ बैठते हैं और सत्संग सुनते हैं और शेयर करते हैं, ये कितने दिन हो गए, कितने महीने बीत गए, पर आप सोचे तो लगता है कल ही हुआ है ये। और इतना आनंद आता है, इतना सबसे ज्यादा जो जीवन का आनंद है वो यही है, मेरे लिए तो यही है सत्संग सुनना और सुनाना, इससे बढ़ के कोई भी आनंद नहीं देता कुछ भी। जैसे कहते हैं जॉय और ब्लिस जो होती है, वो बस यही इसका स्रोत है। This is the main essence of our life. Because Guruji ki wajah se hi hum sustain kar rahe hain, hum breathe kar rahe hain, hum enjoy kar rahe hain everything. Aur isse badh ke kya baat hai ki hum logon ko is jeevan mein, is janam mein hame Guruji ka sanidhya mila, ya unki sharan mein hum sab ikattha baith sake, sari sangat. कोई ये ना सोचे कि हमने गुरु जी को देखा नहीं, तो कभी ना सोचें, आप जब भी मन की आंखों से गुरु जी को देखेंगे आप अपने करीब पाएंगे, जब भी आप ध्यान में उतरेंगे तो आप गुरु जी आपके पास ही रहेंगे। और मैं कहती हूँ कि जिन्होंने गुरु जी का चोला चोले फॉर्म में दर्शन नहीं किया, प्लीज आप कभी ना सोचें, क्योंकि गुरु जी ने आपको निराकार हो करके अपने पास बुलाया है, वो और भी बड़ी भक्ति है कि आप उनको देखे बिना इतनी भक्ति कर रहे हैं। वो तो सर्वज कहते हैं कि सबसे उत्तम भक्ति वही होती है, निराकार। हम लोगों ने तो साक्षात उनका दर्शन किया, पर आप सब धन्य हैं कि जितने लोग जुड़े हुए हैं गुरु जी से, और इस दौरान हम लोगों ने इतने ब्यूटीफुल सत्संग सुने हैं, इतने सत्संग सुने हैं कि किस तरह से नई संगत को गुरु जी किस तरह से ब्लेस कर रहे हैं, और किस इतनी भक्ति है, इतनी श्रद्धा है, तो मैं आप सबको नतमस्तक करती हूँ उसके लिए। और गुरु जी ऐसे ही हम सबको भक्ति भक्ति का दान देते रहे और शक्ति का दान देते रहे, क्योंकि गुरु जी हमारी लाइफ में है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ बीमारियां नहीं आएंगी या हमारे यहाँ
कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, हम सब मेरे मॉर्टल्स इंसान ही हैं, तो हम अपने कर्म अपने आप से ही क्रिएट करते हैं और उसमें एंटैंगल होते जाते हैं, और यही सोच करके मैं अब आगे बढ़ती हूँ, अपने कुछ सत्संग आपके बीच सुनाऊंगी। गुरुजी के बारे में तो जितना मैं पीछे जाती हूँ उतनी एक एक यादें अपने आप सामने आने लगती हैं, और गुरुजी एक्चुअली दिस इज ऑल गुरुजी'स ब्लेसिंग, वो खुद ही याद दिलाते हैं, कितनी भूली भूली यादें अचानक एकदम सामने कर देते हैं गुरुजी। तो मैं कुछ पल क्षण जो बहुत ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये गुरुजी की प्रभुता, गुरुजी का महादेव होना, गुरुजी का सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सब कुछ अंतर्यामी, मतलब एवरीथिंग इट शोज अबाउट गुरुजी। बिकॉज यहाँ पर हम खाली गुरुजी की ही बातें कर रहे हैं, भी अगर मैं कहती हूँ मैं वहां थी तो मतलब ये ना सोचिएगा कि मैं अपने बारे में कुछ पढ़ाई कर रही हूँ, आई विल जस्ट से एज इट हैपेंड, बिकॉज वी आर नथिंग, वी आर जीरो, इट जस्ट वी आर देयर बिकॉज ऑफ गुरुजी की कृपा। गुरुजी जब बुलाते हैं हमारा उसमें कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल गुरुजी। जब हमारे वो अप टू गुरुजी, आई डोंट वांट टू पुट वर्ड्स, बट मेरी ये थिंकिंग है कि जब हमारे कर्म गुरुजी के हिसाब से उनको लगता है कि अब हमारा टाइम हो गया है, तब वो बुलाते हैं अपने दरबार में, या उनको लगता है अब इसको समझ में आने लगेगा हम संगत को। पहले अगर वो अपने को रिवील करते मैं भी नहीं समझ में आता, और इस तरह से जब गुरुजी के पास, कई बार मैंने शेयर किया, हम जब 98 में उनका दर्शन किया तो मेरे एक्सपीरियंसेस कई बार मैंने शेयर किया, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगी, आगे बढ़ूंगी थोड़ा कि गुरुजी को कैसे सब कुछ मालूम रहता था। तो गुरुजी के दरबार में मैं अपनी जो मेरे अंतर की धारणाएं हैं, जो भावनाएं, वही मैं शेयर करूंगी। तो जब वहां बैठते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि हम भगवान के दरबार में बैठे हैं। There was no doubt for me. After few months, I understood who's Guruji. And मेरी कोई उसमें वो नहीं है, this is all Guruji. Whatever he was trying to teach me, I was just absorbing it like a student. वहां बैठे बैठे Guruji बहुत चीजें उन्होंने दिखाई, बहुत चीजें समझाई और बहुत चीजें बताई भी। कभी भी अकेले अपने कमरे में बुला लेते थे ऑफ संगत डे, ऑफ संगत टाइम, और बहुत चीजें गुरुजी उस समय रिवील करते थे, बताते थे। दैट वाज ओनली फॉर मी, बिकॉज हम सब की एक सोल यात्रा है, जो अप्रोप्रिएट जिसके लिए जो होता है गुरुजी वो उसको ही बताते हैं, तो मैं उसको नहीं शेयर कर सकती। पर गुरुजी वॉज डिवाइन, ही वॉज महादेव, देयर वॉज नो डाउट, देयर वॉज नो डाउट। और आप भी जो डाउट्स है ना आप हटा दीजिए, अगर आप डाउट्स में कुछ भी सुनेंगे या सुनाएंगे आप उसका पूरी ब्लेसिंग नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले संगत सत्संग सुनने का नियम सबसे पहले ये है कि आप अपनी बुद्धि हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ बुद्धि का कोई काम नहीं है, क्योंकि जो जो मैं बताऊंगी ये दिस इज बियॉन्ड लॉजिक एंड रीजन, ये खाली भगवान के दरबार में हो सकता है, इट्स ओनली इन महादेव। महादेव तो कुछ भी कर सकते हैं, तो सृष्टि का he's the only one, he's all। आजकल शिव पुराण हम सब पढ़ रहे हैं तो उसमें कितनी कितनी चीजें रिवील हो रही हैं, और जो सारी चीजें हमने गुरु जी के साथ महसूस करी हैं, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी। तो ऐसे ही एक दिन गुरु जी के दरबार में बैठे थे और मैं गुरु जी को बार बार बस उनका खाली दर्शन करना ही मेरे लिए बहुत था, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं आता था कि मुझे कुछ मांगना है, कुछ कहना है गुरुजी के आगे। जब भी गुरुजी बुलाते थे तब जो भी वो पूछते थे मैं बताती थी, पर उनके आगे एकदम ब्लैंक हो जाती थी, शून्य। शून्य कहते हैं कि जैसे यू डोंट हैव एनी अवेयरनेस, यू आर नथिंग, यू आर जीरो, वैसी अवस्था हो जाती थी मेरी। एंड आई यूज़्ड टू फील कि मैं बस रोती रहती थी, आई वाज सो ग्रेटफुल इन ग्रैटिट्यूड कि मुझे ये इस जन्म में कितना सुंदर मौका दे रहे हैं भगवान अपने साथ उनके दरबार में बैठना। लगता था हम कहीं वैकुंठ में, कहीं शिव धाम में बैठे हैं, रियली दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई यूज्ड टू फील। और उनकी तरफ देखती रहती थी, और एक बार बहुत ही ह्यूमरस इंसिडेंट है, गुरु जी ने मुझे बुलाया और गुरु जी ने मेरे से पूछा तेरे प्रा का नाम की है। टू टेल द ट्रूथ मुझे पता ही नहीं था प्रा का मतलब क्या है, सो आई वॉज टोटली ब्लैंक। मैं गुरु जी की तरफ ऐसे ब्लैंक देख रही थी,
उन्होंने दोबारा पूछा पंजाबी में, तेरे भ्रा का नाम की है? And I still didn't understand. I was just blank. I was just looking at Guruji, and Guruji smiled, and he said, "Oi, tere brother." And to tell you the truth, when he said "tere brother ka ki naam hai," I was totally blank again. How is it possible that you forget your brother's name? I just didn't remember anything, and Guruji just looked at me for a second so intently, and I was just crying. I didn't know anything. Like I was not there. I was just, जैसे ये कहते ना वो गुरुजी की जोर जो है मन के अंदर चली गई, मुझे कुछ भी याद नहीं आया. Nothing. I just totally I lost all my consciousness. I was beyond that. And Guruji kept looking at me and he smiled and he said, कोई गल नहीं है. ऐसे ही वो बोले. And So, ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुए जो जब आप भगवान के सामने जाते हैं तो आपको अपनी सुध नहीं रहती है. सोचिए एकदम से पहले जब हम बचपन में पढ़ते थे कि श्री राम जी सामने आ जाते हैं तो लोग उनको रामायण में पढ़ाते तो लोग अपनी सुध भूल बैठते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि क्या कहना है उनको, क्या बाद में याद आता है, अरे ये मांगते वो मांगते. ऐसे होता था गुरु जी के दरबार में. तो एक दिन ऐसे ही हम बैठे थे और गुरु जी ने मुझे फिर बुलाया. गुरु जी के बगल में एक टेबल होती थी मार्बल की और गुरुजी हमेशा वहाँ अपनी घंटी रखते थे, बेल, और सेवादार को उससे बुलाते रहते थे और हाथ में लेके फिजिट करते रहते थे और बार बार अपनी घड़ी देखते रहते थे. ये सारी चीजें हम सारी संगत एक एक मूव गुरुजी का फॉलो करते थे. एंड उसके बाद एक पेन होती थी वहां पर, तो गुरुजी अपने हाथ में ऐसे पेन लिए हुए थे और ऐसे घुमा रहे थे. एंड देन ही कॉल्ड मी एंड ही सेड, तो अपना मोबाइल नंबर इसमें लिख दे. देयर वाज अ पेपर. And मैं बहुत ध्यान करके मैंने उस समय सोचा मुझे भूलना नहीं है, यू नो. सो आई बहुत जोर दिया दिमाग पर एंड आई कुड ओनली रिमेम्बर माई हस्बैंड्स मोबाइल नंबर. तो मैंने अपने हस्बैंड का मोबाइल नंबर उसमें लिख दिया एंड आई सेड, जी गुरु जी. एंड गुरु जी इस ये बात गौर करनी है कि उनको सब कुछ मालूम है, वी ऑल नो दैट, बट जब होता है वी आर स्टिल इन ऑ. तो गुरु जी ने उसको पढ़ा एक सेकेंड और कहते हैं, ये तो एम पी अंकल का है, मैं तेरे से तेरा मांग रहा हूँ. एंड दैट्स व्हेन आई रियली वोक अप. आई सेड, ओह माय गॉड. तो मैं फिर ध्यान बहुत ज्यादा, अपना नंबर कभी कभी आदमी भूल भी जाता है और गुरु जी के सामने सब कुछ भूल जाते थे. एनीवे बहुत ध्यान करके मैंने उसको एक एक नंबर उसमें लिखा और गुरु जी ने उसको पढ़ा एंड ही सेड, हाँ ये चंगा. एंड ही केप्ट इट विथ हिम. एंड वन डे इन सिंगापुर I was sitting there, जैसे मैंने बताया कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि कुड़िया दा ब्याह कर, कुड़िया दा ब्याह कर. गुरुजी was like our oldest member of our family and so concerned about our family, about our responsibilities. वो कहते थे तेरी तीन कुड़ियां फटाफट ब्याह कर और फारिक हो, फारिक हो. फिर मेरे पास आ, उनको लगता था हमें अपनी पूरी वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करनी है. फिर हम गुरुजी से कहते हैं कि सोल टू सोल कनेक्शन बना सकते हैं, क्योंकि जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हम उसमें उलझे लगते हैं. तो यही गुरुजी बार बार सिखाते थे, तो बहुत कहते थे. तो एक बार जब मैं सिंगापुर गई, मैंने कहा गुरुजी बार बार कहते हैं, बहुत शर्म आती है. तो आई वॉज ऑन द कंप्यूटर, आई हैड जस्ट पुट माई डॉटर्स प्रोफाइल, यू नो, उसमें और साइट में. एंड एवरी डे आई टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स, बच्चे सब स्कूल चले आते थे, मैं आवर्स एंड आवर्स बैठ के, मेरी आंखें दुखती थी. एंड कंप्यूटर वॉज समथिंग न्यू एट दैट टाइम, दिस वॉज इन 1999, 2001, 2002. एंड आई वॉज नॉट इन टू कंप्यूटर्स एट दैट टाइम, इतने बल्कि बल्कि कंप्यूटर्स होते थे एंड ऑल दैट, यू नो, देयर वाज अ डेस्कटॉप. तो उसी पर बैठ करके मैं दिन भर देखती रहती थी. एंड एक रात हम लोग बस थोड़े दिन पहले गुरु जी का दर्शन करके एम्पायर स्टेट से आए थे और बैठे हुए थे कंप्यूटर पर. मेरे हस्बैंड मेरे पास बैठे हुए थे और वो कुछ पढ़ रहे थे और मैं कंप्यूटर पर. अब मैं पूरे टाइम कंप्लेन कर रही थी अपने हस्बैंड को कि गुरु जी बार बार पूछते हैं और इतना एम्बेरसिंग लगता है, और गुरु जी तो एक पल में क्षण में कुछ भी कर सकते हैं, पता नहीं क्यों मुझे मेरी आंखें खराब करा रहे हैं गुरु जी. मुझे इतना कंप्यूटर का आता भी नहीं और मुझे पता नहीं क्या सिखा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, और मैं थक गई हूँ, कोई भी ढंग का लड़का नहीं मिलता. ऑल दैट आई वाज जस्ट कंप्लेनिंग अबाउट गुरु जी. एंड राइट अवे इट वॉज पास्ट मिडनाइट और उसी समय मेरी लैंडलाइन बजती है एंड आई पिक अप द फोन एंड इट वॉज गुरु जी ऑन द अदर साइड. And he said, मैं गुरु जी बोल रहा हूँ. एंड आई वॉज सो स्केर्ड
क्योंकि आई वाज कंप्लेनिंग अबाउट गुरुजी एंड आई सेड जी गुरुजी, क्योंकि उस समय तो कोई जय गुरुजी कुछ होता नहीं था एंड वी यूज्ड टू जस्ट से नमस्ते टू गुरुजी एंड आई डिडंट फील दैट मैं इतना रिस्पेक्ट दे पाऊंगी नमस्ते कह के गुरुजी को, तो मैंने खाली जय गुरुजी, मैंने बस जी गुरुजी बोला। तो कहते हैं कि क्या कर रही थी, बहुत कस के उन्होंने बोला, तो आई वाज क्वाइट, देन अगेन ही आस्क्ड मी क्या कर रही थी, आई वाज लाइक सो एम्बैरस्ड कि गुरुजी मैं तो आपके लिए कंप्लेन कर रही थी, आई डिडंट से एनीथिंग, आई सेड जी गुरुजी एंड ही अंडरस्टूड। So he said a few things about me, whatever needed to be told at that time, and he just put the phone down. अब देखिए उनको कभी भी हमने landline नहीं दिया था गुरुजी को, खाली cell phone उन्होंने मांगा था मेरा mobile number. And गुरुजी एक बार नहीं, उन्होंने तीन बार मेरे landline पर phone किया। एक बार ऐसे ही, इसका बहुत बड़ा lesson है कि आप हम सबको समझना चाहिए कि गुरुजी हैं कौन। You don't have to tell anything. आप कुछ बताएंगे गुरुजी उल्टा पता नहीं किस लाइन पर फोन कर देते हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। That's all. This is my point. You need to be connected to Guruji. He knew everything. And he has to make you realize that he knows it. So we understand who is Guruji. अपने को रिवील करने के लिए भगवान को कितने कितने लीलाएं करनी पड़ती हैं। यही मेरा इसका उद्देश्य था। और फिर एक दिन और गुरुजी हमेशा कहते थे कि जब गुरु को मान लिया है तो बेफिक्र होना चाहिए, फारिग हो जाना चाहिए प्रॉब्लम से। एंड एट दैट टाइम आई डिडंट अंडरस्टैंड क्योंकि नए जुड़े हुए थे, इतनी चीज़ें दिमाग में रहती हैं। तो एक दिन ऐसे ही था, सिंगापुर में बहुत कुछ दिमाग में कुछ चिंताएं बहुत घिरे हुई थी, मुझे उसका कुछ सुझाव नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि किसी से मैं बात नहीं करती थी, जो भी होता था अपने आप करना चाहती थी और प्रे करती थी गुरुजी को। तो अचानक ही गुरुजी का फोन आ गया, वो भी लैंडलाइन पे, वो भी दिन के टाइम। एंड ही सेड गुरु तेरे साथ है, सब कुछ टेम्पररी है। एंड ही हंग अप, दैट्स इट। कितना बड़ा गुरुजी ने लेसन उस दिन दिया लाइफ का, दैट एवरीथिंग इज टेम्पररी। हमारा सुख भी टेम्पररी है, हमारा दुख भी टेम्पररी है। वी आर हियर to experience both, we cannot avoid. So ये गुरुजी का कहे हुए शब्द हैं जो मैं रिपीट कर रही हूँ, सारी संगत के लिए बहुत बड़ी सीख है और लेसन है जो मैं आज इस जूम के द्वारा पहुँचाना चाहती हूँ, जो गुरुजी ने मुझे कल ही फिर से कई बार याद दिलाते हैं। तो दिस इज वेरी फ्रेश इन माई माइंड, आई वॉन्टेड टू शेयर। एवरी थिंग इज टेम्प्ररी, वी कैनॉट अवॉइड बैड टाइम्स और गुड टाइम्स। जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट में आएंगे उसको हमें एक समान ही अपनी मनोवृत्ति रखनी है, इक्वानिमिटी रखनी है, बैलेंस रखना है। बहुत अच्छे टाइम में हमें बहुत उछलना नहीं है, अपने मन में संयम रखना है और जब बैड टाइम्स आए उसमें भी संयम रखना है। चीखना चिल्लाना, रोना गाना, कंप्लेन करना, ये वो, वी लूज आवर एनर्जी। उस टाइम हमें बस गुरुजी से जुड़ना है और प्रे करना है कि व्हाटएवर इज बेस्ट गुरुजी, यू डिसाइड फॉर अस, फॉर आवर फैमिली, और व्हाटएवर इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। वी कैन नॉट कमांड गुरुजी, वी कैन नॉट इवन आस्क एनीथिंग। कितनी बार ये हम लोगों को ये कहा गया है, मांगो मत मानो। अब तक तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सब कुछ समा गया है कि हमें मांगना नहीं है, क्योंकि गुरुजी के शब्द हैं, वो कह के गए हैं कि तुझे नहीं मालूम तेरे लिए क्या अच्छा है। हम गलत चीजें मांग लेते हैं, उसका भुगतान करते हैं। सो गुरुजी हमेशा कहते थे मुझे मानो, मांगो मत। वी हैव टू जस्ट सरेंडर आवरसेल्फ टू गुरुजी, और ऐसे हमसे नहीं हो पाता है, हम इंसान हैं। वी हैव टू आस्क गुरुजी फॉर हेल्प एंड ही विल, बिकॉज ही इज महादेव, ही इज फुल ऑफ कंपैशन फॉर हिज भक्त। आप उनको बस ये प्रे करिए, गुरुजी प्लीज हेल्प मी टू balance myself, Guruji, मेरे से नहीं होता है। This is all we have to ask, and he will help us. He will make you so calm and silent. He will keep you in silence. अगर आपके problem कुछ चल रही होगी, वो Guruji आपको इतना silence में कर देंगे कि आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती किसी को। You are so content, you are just in bliss. So ऐसे Guruji ने वो ये दो experience मैं सुना रही हूँ, phone का जो Guruji का कुछ connection ही रहा होगा। एक दिन अचानक ऐसा एक टाइम ये भी आया कि गुरुजी के पास वहाँ बैठे हुए थे बड़े एम्पायर स्टेट में, एंड
आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट वॉज बॉदरिंग मी फॉर लॉन्ग टाइम एंड गुरु जी तो सब कुछ जानते हैं ना, तो उन्होंने मुझे बुलाया एंड ही सेड तू गुरुवान मानती है ना, ऐसे जी गुरु जी मेरे लिए सब कुछ आप हैं, गुरु जी आपको तो सब कुछ मालूम है मेरे बारे में, एंड ही सेड हाँ, एंड देन ही सेड वेरी फर्मली ही सेड अगर तू गुरुवान मानती है ता खाली एक जन वरी कर सकता है, या तू वरी कर ले अपना काम कर ले वरी करके, या मैं करूं वरी तेरे लिए, या मैं तेरे काम करूं, दोनों जन वरी करने से कुछ काम नहीं होगा। दिस वर हिज वर्ड्स टू मी, ही सेड ओनली वन पर्सन कैन वरी, इफ यू बिलीव इन योर गुरु देन यू डोंट नीड टू वरी, यू लीव इट ऑन योर गुरु, यू डू योर, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के बैठ जाइए गुरु जी करेंगे, यू हैव टू डू 100%, आई वुड से 110%, गो बियॉन्ड, स्ट्रेच योरसेल्फ, डू व्हाटएवर यू कैन इन दैट प्रेजेंट सिचुएशन टू गेट ओवर दैट, बट वरी करके नहीं, वरी करके हमारी पूरी शक्तियां आप देखेंगे जब हम वरी करते हैं या सैड होते हैं हम कितने वीक हो जाते हैं, शरीर में कोई शक्ति नहीं रहती है, कुछ भी नहीं, बस लेटे रहने का मन होता है, बात करने करने ये नहीं वो नहीं, ऑल दैट नेगेटिविटी से घिर जाते हैं। गुरु जी ये नहीं चाहते हैं किसी भी संगत को ये एक्सपीरियंस करना, गुरु जी हमेशा चाहते थे उनकी संगत एक्टिवली इन्वॉल्व हो अपनी लाइफ में, सारे काम करे पूरे जोश के साथ करे, खुश होके करे, और जब हम वो करते हैं तो गुरु जी हमें और भी ब्लेस करते हैं। गुरु जी उस समय हमें नहीं ब्लेस करेंगे जब हमें प्रॉब्लम आएगी, हम चुपचाप रजाई ओढ़ के लेट जाएं और रोते रहें, कंप्लेन करते रहें और कहते हैं हाय हाय ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये उसकी गलती से हुआ है, उसकी वजह से हुआ है, ऑल दैट कंप्लेनिंग एंड ऑल दैट, वी शुड स्टॉप दैट, बिकॉज हम गुरु जी के संगत हैं, हमें खुश होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ानी है, हमें खुश होकर अपने चैलेंजेस को आगे करना है और पूरी कोशिश करें, अगर ना हुआ वो गुरु जी की मर्जी है, उस पर भी हमें संतोष रखना है कि उस पर भी हम मन दुखी ना करें। तो गुरु जी का बहुत बड़ा ये तीन लेसन था जो मैं बताना चाहती थी कि किस तरह से गुरु जी ने मेरे को मुझे वन टू वन ये दिया हो, खाली मेरे लिए नहीं, हम सारे बेनिफिट कर सकते हैं इससे, सारे संगत के लिए है। फ्यू थिंग्स गुरु जी टोल्ड मी दैट इज ही टोल्ड मी दैट ये बस तेरे लिए, तो दैट आई कैन नॉट शेयर, दोज थिंग्स आर ओनली फॉर मी, बट अदर्स दिस इज जनरल and I want everybody to benefit. और गुरुजी कहते थे खड़े होकर सत्संग शेयर करो, गुरुजी जो जो कहते थे वो शेयर करती थी मैं, अभी भी जो जो गुरुजी ने कहा हुआ है उस समय मुझसे शेयर करने के लिए वही मैं शेयर करती हूँ, जो गुरुजी ने कहा था ये तेरी स्पेशल ब्लेसिंग है आई कैन नॉट शेयर दैट, आई एम नॉट अलाउड टू, सो ये सारी चीजें गुरुजी ने कहा था शेयर करो, और कहते थे गुरुजी जिथे जा मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर दूजे का भी कल्याण कर, दीज वर हिज वर्ड्स, बिकॉज एट वन टाइम आई वॉज मुझे ऐसा लगा था मुझे भगवान मिल गए, अब मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, आई वॉज इन टू दैट फिलोसफिकल मोड, क्योंकि मैं हमेशा ढूंढ रही थी मुझे भगवान के दर्शन हो, और मैं तृप्त हो गई थी कि अब महादेव जिनकी मैं पूजा करती आई हूँ बचपन से वो मुझे मिल गए हैं, सो देन उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसके आगे हमें बढ़ना है, तो आई जस्ट केप थिंकिंग इन माई माइंड, पर मुझे मौका नहीं मिलता था, गुरु जी के सामने तो आपकी जबान भी नहीं खुलती थी, क्योंकि भगवान के सामने आप बस उनको बस निहार ही सकते हो और रो सकते हो बस थैंक्स में और ग्रैटिट्यूड में, यू हैव नो वर्ड्स, देयर इज कंप्लीट साइलेंस बिटवीन यू एंड योर गुरु और योर गॉड और हूएवर यू बिलीव इन, बिकॉज ये सोल सोल का कनेक्शन, गुरु जी कहते हैं तार से तार मिलनी चाहिए, यू नो उसी उसके बाद ही चेंज होता है, अगर आप खाली वहां बैठे रहो देखते रहो सुनते रहो लंगर खाओ दैट इज वेरी गुड सत्संग सुनते रहो, बट यू मस्ट मेक टाइम फॉर योरसेल्फ टू कनेक्ट विद गुरुजी। आजकल हम कितना सत्संग सुन रहे हैं, इतने जूम हो रहे हैं, ये जूम वो जूम, वी आर ऑलवेज बिजी कनेक्टिंग हियर देयर, सब कुछ सुनते हैं, बट एंड ऑफ द डे हम उसको याद करते हैं, कुछ हमने पॉइंट्स बनाए हैं, कोई बुक बनाई है जिसमें लिखा है, रोज रिवाइज करें, दिस इज लाइक ए लेसन, दिस इज लाइक ए क्लास, ये एक साल की हमारी क्लास थी गुरु जी की, हमने उस समय क्या पाया वो सब हम लोगों को नोट करना चाहिए, जैसे हम क्लास में जाते हैं मेन पॉइंट्स हम नोट करते हैं और फिर उसको रिवाइज करते हैं, खाली नोट करने से नहीं, वी नीड टू रिवाइज एवरी सिंगल डे, और उसके बाद हमें सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, सेल्फ स्टडी हमें सिमरन में बैठना पड़ता है, दिस इज अ स्पिरिचुअल क्लास, यहाँ पे कोई टीचर आपके सामने आके नहीं खड़ा होकर बताएगा, वी हैव टू बी
कहते हैं कि वी हैव टू बी जस्ट अपने आप को ही हम टीचर होंगे, अपने आप ही को हम स्टूडेंट होंगे, कोई देखेगा नहीं हमें, पर गुरु जी देख रहे हैं ना। तो सिमरन में बहुत जरूरी, गुरु जी बहुत बहुत एम्फसाइज करते थे, और आई कैन नॉट टेल यू, यू नो, आप कितनी चीजें आप सिमरन में महसूस कर सकते हैं और कितनी चीजें आप गेन कर सकते हैं। दैट इज द ओनली थिंग दैट विल कनेक्ट यू डायरेक्टली टू गुरु जी, आई कैन से दैट मच। आप जितने भी बिजी हो, जितना भी आप सुन लो सत्संग, पर आप एक टाइम निकालो, प्रेफरेबली दिस से मॉर्निंग टाइम, देयर इज नो डिस्टर्बेंस, और इतनी अच्छी वाइब्स होती हैं, क्योंकि हर रात जब हम सोते हैं, आई थिंक वी ऑल डाई दैट नाइट एंड वी गेट अप एज अ फ्रेश सोल। और जब हम फ्रेश सोल, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, कितना हम शेड करते हैं ऑल दैट स्किन, तभी कहते हैं सुबह उठ के नहाना चाहिए, ऑल दैट एनर्जी रात की जो होती है, वी हैव टू टेक इट आउट। कितनी बार लोग कहते हैं सुबह उठ करके नहाओ, शावन लो, क्यों? ये सब चीजें, ये एनर्जी जो होती है उसको वॉश ऑफ करने के लिए होता है। स्किन भी सब पील ऑफ करता है रात में, हमें कुछ दिखता नहीं है, हमें मालूम नहीं है, पर सटल एनर्जी, ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग एट नाइट व्हाइल वी आर स्लीपिंग। रात में जब हम सोते हैं, आप देखते हैं आपके मुंह से कितनी बदबू आती है, सुबह वी हैव टू ब्रश आवर टीथ। ऑल दीज आर प्रूवन कि वी आर नॉट देयर, एंड एवरी मॉर्निंग वी गेट अ फ्रेश, वी गेट अ न्यू फ्रेश ऑफ लाइफ, और वो भगवान की देन है, और हमको उसको उस समय बैठ के शुक्रिया करना है, उस समय उनका ध्यान करना है, उस समय वो हमारे आसपास ही रहते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि आप सुबह उठते ही अगर 4 बजे हम आप शावर में जाइए, इट्स नॉट, बिकॉज गुरु जी हमारे बड़े प्रैक्टिकल हैं, वो कहते हैं बेड पर ही बैठ के हमें याद कर लो, कहीं पर भी, वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं देते हैं, वट एवर यू कैन, इफ यू कैन, बिकॉज इट्स ऑल अप टू अस। गुरु जी ने ईजी कर दिया है, उन्होंने बस यही कहा है कि मेरे लिए टाइम निकालो और मेरे से जुड़ो। That is all his words and whatever he has told us. मैं directly वही चीज बता रही हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं it's गुरुजी माफ करें, गुरुजी is always there, whatever I share, गुरुजी, you know, I have to face गुरुजी also, so never think कि मैं अपने मन से कुछ बना के बोल रही हूँ। It is all that had happened between गुरुजी and us, and these were his words, and he told me one day, एक बार गुरु जी के साथ जब मैं शेयर कर चुकी हूँ कि गुरु जी ने कहा था मेरे से आज से बात नहीं करना, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड। हमने कहा कैसे पता, गुरु जी तो इतनी बातें करते थे, बहुत पूछते थे, और मैं आई वाज लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू गुरु जी दरबार एंड टॉकिंग टू हिम एंड शेयरिंग एवरीथिंग, एंड आई दैट वाज माय कनेक्शन विद गुरु जी एट दैट टाइम। मे बी दैट वाज द फेज ही वांटेड अस टू, ही वांटेड मी टू विन, गो थ्रू अनदर स्टेज, एंड आई वाज नॉट रेडी। So I started crying. I said, गुरु जी कोई गलती हो गई, and he said, नहीं, आज के बाद हम बात नहीं करेंगे, तेरे बारे में मुझे सब कुछ मालूम है, आज के बाद हम साइलेंस में रहेंगे एंड टेलीपैथी से बात करेंगे। दिस वर हिज वर्ड्स एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड, हमका टेलीपैथी मुझे नहीं मालूम गुरु जी कैसे, तो देन ही एक्सप्लेन इट टू मी, ही टोल्ड मी जब तू सिमरन में बैठती है ना, लाइक अ टीचर ही केम टू माई लेवल टू मेक मी अंडरस्टैंड, बिकॉज आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। And these were his words. He said, जब तू सिमरन में बैठती है, उस समय जब मेरे से कनेक्ट होगी, जब समाधि में चली जाएगी, माइंड यू, सिमरन में बैठना ये नहीं कि आप आंख बंद करके चुपचाप बैठे रहो और फोन पास में है और बार बार देखते रहो, आई मीन प्लीज डोंट, जस्ट वी ट्राइंग टू फूल ourselves. We have to be away from all the electronics, everything. Put everything away. And thoughts भी धीरे धीरे वो गुरु जी ही हेल्प कर सकते हैं हमें, इट्स नॉट इन आर कंट्रोल, वी हैव टू प्रे टू गुरु जी टू गो टू दैट लेवल, रेडी, हमारे पास में नहीं है। तो गुरु जी कहते थे जब एकदम शून्य, जब तू जीरो हो जाएगी, जब समाधि में बैठेगी, उस समय मैं तुझे सारे क्वेश्चन के आंसर्स दूंगा। दीज वर हिज वर्ड्स एंड इट इज ऑलवेज अटेनेबल टू एवरी संगत। ये कोई ऐसा नहीं है कि फ्यू लोगों के लिए ही है, आप सबके लिए है, सबके लिए है, एवरीबॉडी। दैट्स व्हाई आई वुड लाइक ईच संगत टू बेनिफिट फ्रॉम दिस, ईच संगत, स्पेशली ये इस टाइम में जब हम इतने मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं, हम और डीपली कनेक्ट हो सकते हैं गुरु जी से। और अगर हम ये आदत अभी से डाल लें, तो जितने भी बिजी होंगे हमें फर्क नहीं पड़ता, चलते चलते भी हम ध्यान में जा सकते हैं, यू नो, नथिंग विल बॉदर अस। तो ये गुरु जी के कहे हुए शब्द हैं,
और फोन की बात करें तो उस समय गुरु जी के इतने फोन आते थे, आई मीन लॉट ऑफ टाइम्स इट यूज्ड टू हैपन, एंड गुरु जी यूज्ड टू से वेरी ह्यूमरस थिंग. एक बार मैं गुरु जी के दरबार में गई और मेरे का आंटी वहाँ बैठी रहती थी, मेनका गांधी आंटी, और गुरु जी पता नहीं क्यों क्या हमारा कनेक्शन था, गुरु जी कहते थे ये तेरी सहेली है, बैठ इन्हों समझा, इन्हों बात कर, इन्हों अपना सत्संग सुना. एंड गुरु जी हैड ऑल्सो सेंट हर टू सिंगापुर एंड सेड टू हर दैट उषा आंटी नाल एक पूरा दिन स्पेंड करना है. सो शी हैड कम एंड शी वाज जस्ट अ संगत, आई मीन इट्स नॉट दैट शी इज, आई मीन कुछ भी जितने लोग होते थे, वी आर ऑल इक्वल इन गुरु जी संगत, आई जस्ट वी आर सेम, गुरु जी भक्त. सो ऐसे एक बार जब पहुंची तो गुरु जी शी स्टार्टेड सेइंग कि ओ आप यू आर हियर अगेन, यू आर जस्ट हियर, यू आर अगेन, एंड आई डिडंट लाइक इट. आई सेड यू नो आई कम फॉर माय गॉड, एंड देन शी सेज व्हाई डू यू कम सो ऑफ्टन, एंड आई सैट डाउन बिकॉज गुरु जी कहते थे इन्हें समझा, तो आई सैट डाउन एंड आई टोल्ड हर, आई सेड यू नो आई कम हियर फॉर माय गॉड, उनको देखने आती हूँ, मैं दर्शन करने आती हूँ, यू नो आई डोंट आस्क एनीथिंग, आई डोंट टॉक टू गुरु जी, समटाइम्स वी डोंट इवन अटर अ वर्ड एंड वी जस्ट डू दर्शन, वी गो बैक, दैट इज माई रिलेशन विद माई गुरु. देन आई आस्क्ड हर, आई सेड व्हाई डू यू कम, एंड शी सेड आई डोंट नो, आई सेड वेल वी ऑल शुड थिंक व्हाई वी कम हियर, देन शी टोल्ड मी लेटर, शी सेड आई थॉट अबाउट इट, आई फाइंड इट वेरी पीसफुल, आई सेड सी यू गेट समथिंग, everybody is getting something, that's why we are here, and we became good friends, we used to share so many things. And ek time unhone mere se kaha ki aapko malum hai guru ji to time ko unko pata nahi rehta, achanak hi aapke yahan to raat hoti hai to din mein baithe rehte hain, to I know you all must be sleeping, it's past midnight, and guru ji says usha aunty ne phone laga, usha aunty ne phone laga, and I tell guru ji no guru ji wo abhi so rahi hogi. And when I heard that, I started crying. I said, please don't do that. For me, Guruji is everything. Guruji is God. He's the utmost for me. Please understand my feelings. Whatever time Guruji says, please don't come in between Guruji and me. Please don't say ki main so rahi hu. I mean, he's awakening my soul. You don't even understand. Main to us din bahut roi thi. And I personally told Guruji, Guruji, aapka jab ji kare na, aap please mujhe phone kar liya karo. Main uthke aapse baat karungi. You know, that is my most precious time with you, Guruji. And it was happening like that. And one day, as we all know, that Guruji left his chola. And before he left his chola, it was 2007, March, after Mahasamad, after Mahashivratri, we had just met Guruji. And we came back, and my husband was very sick, and he was diagnosed with something really bad, and unki surgery honi thi, and all that was happening. And again, I remember the date even when Guruji called. It was like 28th of March, 2007. That was the last call in physical form that I received from Guruji, and I was very worried because my husband was in ICU. Going through septicemia, all his organs were failing. It was a very delicate situation. My daughters were there in the with him, and I was home with my son. And Guruji ne us samay chote swarup hote the, chota sa swarup sign karke diya tha. I felt like I'm closer to my Guruji. I used to just hold it so tight to my chest. I was sitting the whole night. It was early morning, 4 o'clock, and my phone again. रैंग उस समय तो देखिए हमने इंडिया का नंबर दिया था गुरुजी को मोबाइल का, गुरुजी ने मेरे यूएस के नंबर पर फोन किया, सेल नंबर पर. I had never given him that number. We had just moved here 2006. And गुरुजी called and he said, मैं गुरुजी बोल रहा हूँ. Again I got up, I said, जी गुरुजी. I started crying again. गुरुजी की आवाज सुन के ही रोना आता था, पता नहीं क्यों, इतना अपनापन, इतना प्यार. जब आप किसी से करते हो तो आंसू ही निकलते हैं, चाहे आप सुख में हो चाहे दुख में हो. एंड ही जस्ट गुरुजी सेड, तू चिंता ना कर, तेरा गुरु तेरे नाल है. एंड दिस वर द लास्ट वर्ड्स ही टू आई हैव हर्ड इन माय इयर्स, इट कीप्स रिंगिंग ओवर एंड ओवर. गुरुजी बॉडी फॉर्म में नहीं है, बट दोस वर हिज लास्ट वर्ड्स टू मी. एंड उसके बाद मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि गुरुजी मेरे नाल है. एंड वॉट एवर ही हैज हैड टू से, ही टोल्ड मी व्हाट आई हैव टू डू फॉर अंकल, आई डिड दैट, एंड अंकल वाज टोटली फाइन. एंड उसके बाद
उनकी हार्ट बीट कैसे 34 से गुरुजी ने 72 कर दिया जस्ट बाय सेइंग इट, दैट्स इट। कौन है गुरुजी? गुरुजी इज भगवान, गुरुजी इज महादेव, वैद्यनाथ, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें ये मौका मिल रहा है गुरुजी की स्तुति करने की, सुनने की। एंड उसके बाद फिर गुरुजी ने चोला छोड़ दिया एंड आई वाज लॉस्ट। आई सेड अंकल की सर्जरी होनी थी, इट वाज नवंबर 2007 एंड गुरुजी वाज नॉट देयर इन फिजिकल फॉर्म एंड आई वाज मिसिंग गुरुजी टेरिबली। बिकॉज जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी बगैर बताए अपने आप गुरुजी फोन करते थे, फिजिकली फोन करते थे। I never said anything to anybody, but Guruji knew everything and he used to reach out and talk to me and give me directions. And at that time, I was missing dearly to Guruji. I said, Guruji, aap kahan ho? Main aapko bahut yaad karti hu, aap mera koi bhi nahi hai Guruji. I was miserable at that time. And one morning, right at 4 o'clock, I had a vision of Guruji. Guruji was in some mountainous area and मैं गुरुजी के पीछे खड़ी हुई बैठी हूँ एंड हम दोनों अकेले हैं एंड गुरुजी हाथ से यूं करते हैं और सिल्वर की ग्लास गुरुजी क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ रहता है, मुझे नहीं मालूम क्या है। एंड गुरुजी टेक्स अ सिप एंड ही टर्न्स अराउंड एंड ही आस्क्स मी टू कम टू हिम फॉरवर्ड एंड आई कम टू हिम एंड देन ही जस्ट गिव्स मी द ग्लास एंड सेज ये पीला, पंजाबी में कहते हैं पीला, ये तेरे लिए अंकल के लिए, तेरे थ्रू मैं ब्लेस कर देता। And as I'm drinking, that's Amrit full of Guruji's fragrance, millions of fragrance, jaisi hoti hai na, vaisi fragrance. And as I'm swallowing, I get up and I can feel that fragrance and that I'm swallowing that Amrit, I can still feel it when I woke up. And I was crying and I was saying, Guruji, thank you. Us samay bhi Jai Guruji nahi hota tha. I just kept saying, Guruji, thank you. I just was crying. And my husband woke up and said, kya ho gaya tumko? I said, Guruji ne aake bless kar diya, you'll be totally fine, your surgery will be fine. I explained to him what had happened. Kis tarah se Guruji, even he had left his chola, he still came at that time when I needed him the most. And he told me, and he gave me again the directions, same directions. Kuch bhi change nahi hua hai. Nothing has changed. And so many times, so many sangat you have heard, किस तरह से गुरुजी आज भी आते हैं और आपको बता के जाते हैं और अभी भी एवरीथिंग इज हैपनिंग पर हिज विश, एवरीथिंग। मैंने देखा है कि गुरुजी के बहुत अजीब वेज होते हैं। व्हेनेवर आई ट्राई टू बी इन कंप्लीट साइलेंस और इन प्रेयर्स, गुरुजी मेक्स मी शेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज भी मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी का ही संदेश है। आज सुबह जब कॉल आया, आई न्यू दिस इज गुरुजी। Because my mom is very critical, he's in ICU. Doctor is just saying that we have to wait till morning. Ab to raat hai wahan, kehte hain subah pata chalega how she is reacting to this new medicine. And as soon as I woke up, of course India mein calls hoti hain, and then this call came, I said this is all Guruji's. I know that he always does this. Whatever the outcome is, Guruji's in command. I've never asked him anything. The day he told me, don't ask me anything, मैंने कभी भी नहीं मांगा उनसे। गुरु जी का हुक्म जितना हो सकता है मेरे जी जान से मैं ट्राई करूँगी उनके हुक्म पर चलना और उनकी बातों पर चलना। गुरु जी हिम्मत दें, शक्ति दें, अपनी भक्ति दें, that's all I ask him. And right now, while I'm sharing, I feel so much energy in me that in the morning I was drained out, to tell you the truth. When it comes to your parents, it's very hard to take it, we are human. But when God takes over, when Guruji takes over, he fills you up with his own energy, with his own vibrations, beautiful vibration, with the understanding that he is in charge. अभी भी जैसे गुरु जी का फोन आता था वैसे ही मुझे लगता है गुरुजी ने खुद मुझे इस फोरम पर आज इन्वाइट किया है। एंड आई ट्राई टू डू माई बेस्ट, आई होप यू नो आई हैव यू नो डन जस्टिस टू गुरु जी शान, एंड जो जो गुरु जी चाहते थे वही मैंने शेयर किया है। एंड आप सबको बहुत बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स, आई एम सेंडिंग लॉट ऑफ लव टू ईच वन ऑफ यू। सारे संगत को गुरु जी यूं ही ब्लेस करें और सबके घरों में सेहत दें गुरु जी, बरकत दें और सबको खुशहाली दें गुरु जी, और अपने से जुड़े रहें गुरु जी, अपनी भक्ति अपनी शक्ति हमेशा अपनी संगत पर बसाते रहें गुरु जी।
यही दो चीजें जो हम आपसे मांग सकते हैं और हम आपको अपना टाइम दे सकते हैं, अपना प्यार दे सकते हैं, यही दो चीज हम आपको दे सकते हैं जो हमारे वश में है गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंकल एंड होल टीम हु इज डूइंग सच ब्यूटीफुल जॉब। आई नो गुरु जी करवा रहे हैं, बट गुरु जी मेक्स यू मीडियम एंड वी ऑल आर वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।